अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए शेख साइंस को, और कीप सपोर्टिंग गाइस, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। वो ये कि हाउ टू योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्स ऐड टू योर चैनल, यानी कि हाउ टू ऐड लिंक्स योर चैनल। क्या आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स, या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक, या फिर अपने ऑनलाइन स्टोर का लिंक आप अपने यूट्यूब चैनल पर किस तरह ला सकते हैं, उसको जाहिर कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली यूट्यूब ऐप पे जाएंगे, उसको ओपन करेंगे और वहाँ से यूट्यूब स्टूडियो पर जाएंगे। यहाँ से हम यूट्यूब स्टूडियो पर आ गए, और यहाँ से जो हमने जाना है, ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, ये है जी कस्टमाइज सेटिंग, यहाँ पे हमने आ जाना है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक को ऐड कर सकते हैं, और वो आपकी मेन चैनल की डिस्क्रिप्शन के नीचे जाहिर होंगे। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हम ऐड करेंगे। या आपने इसको क्लिक करना है और आपको नीचे नज़र आ जाएगा ऐड लिंक्स का ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी दो अपने ऐड किए हुए हैं लिंक, तो एक तो फेसबुक का और एक इंस्टाग्राम का, और एक आज मैं आपके सामने टिकटॉक का करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप मैंने सिंपली लिखना है और यहाँ पे मैंने टिकटॉक का अपने यूज़र नेम का यूआरएल डालना है। तो हम लिखेंगे https://https://, और यहाँ पे हम लिखेंगे टिकटॉक का लिंक www.tiktok.com, और यहाँ पे हम अपने /लाके यूज़र नेम डालेंगे अपने टिकटॉक चैनल का। तो मेरा नेम जो है शेख आहद 402, तो हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से हमने ये हमारा पब्लिश हो गया। अब आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका ये लिंक ऐड हुआ है कि नहीं, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे अब मैं अपने YouTube चैनल को व्यू करूँगा, ये देखें जी। अब मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे कि मेरा TikTok का लिंक भी ज़ाहिर हो गया। तो इस तरह से आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स या अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद कर रखिएगा।